ઉત્તર ગુજરાતના પ્રવાસે રહેલા રાહુલ ગાંધીએ બનાસકાંઠાના ટોટાણા ગામની મુલાકાત લીધી. ઠાકોર સમાજના આસ્થાના કેન્દ્રમાં એવા ટોટાણામાં રાહુલ ગાંધીએ સદારામ બાપુના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. તો સીધા જે પાટણ, જે રાહુલ ગાંધી સભાને સંબોધિત કરી રહ્યા છે. ભરતસિંહ સોલંકીજી, સિદ્ધાર્થ પટેલજી, શક્તિસિંહ ગોહિલજી, પરેશ ધરાનીજી, જગદીશ ઠાકોરજી, અલ્પેશ ઠાકોરજી, વર્ષા ગાયકવાડજી, શૈલેષ પરમારજી, ડોક્ટર જીતુભાઈ પટેલજી, લાલજી દેસાઈજી, ગુલાબકાંતજી, પાશીબહેનજી, કાનજીભાઈ દેસાઈજી, માલજીભાઈ દેસાઈજી, લલેશ ઠક્કરજી, કોંગ્રેસ પાર્ટી કે હમરે સબ કાર્યકર્તા, યુથ કોંગ્રેસ, એનએસયુઆઈ, સેવાદલ, મહિલા કોંગ્રેસ કે હમરે સબ લોગ, ભાઈઓ ઓર બહેનો, પ્રેસ કે હમરે મિત્રો, ઓર જો રાત મેં છત પે આપ લોગ બેઠે હૈ, ખડે હૈ, આપ સબકા યહાં દિલ સે બહોત બહોત સ્વાગત, નમસ્કાર. પહેલી બાર મેને દેખા હૈ કિસી એક પ્રદેશ મેં, હિન્દુસ્તાન કે હર પ્રદેશ મેં ગયા હું, તકરીબન હર ડિસ્ટ્રિક્ટ મેં ગયા હું, પહેલી બાર મેને અપની જિંદગી મેં દેખા હૈ કે કિસી એક પ્રદેશ મેં હર સમાજ કે લોગ દુખી હૈ, કષ્ટ મેં હૈ, ચાહે વો પાટીદાર સમાજ હો, ચાહે વો પિછડા સમાજ હો, ચાહે વો દલિત હો, આદિવાસી હો, જો ભી હો, સબ કે સબ દુખી હૈ. તો શરૂઆત મેં આપકે જો ચિહ્ન હૈ, જો સિમ્બલ હૈ, ઉનકે નામ લેકર મેં કરના ચાહતા હું. તો સબસે પહેલે જો પાટીદાર સમાજ કે સિમ્બલ હૈ, જિન્હોને ગુજરાત કે એક ઓર બેટે કે સાથ દુનિયા કે સુપર પાવર કો હિન્દુસ્તાન સે ભગાયા, ઉનકા નામ લેના ચાહતા હું. જય સરદાર. નહીં, સુનાઈ નહીં દિયા. જય સરદાર, જય સરદાર. उसके बाद जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, और फिर जय भीम, जय भीम, जय भीम. तो पहली बार मैंने देखा है किसान दुखी, પાટીદાર દુખી, પિછડા સમાજ દુખી, દલિત સમાજ દુખી, આદિવાસી સમાજ દુખી. ઓર મેં ઢૂંઢ રહા હું ગુજરાત મેં અગર સબ લોગ દુખી હૈ તો ખુશ કોણ. મેં આપકો બતાતા હું, એક દો લોગ ખુશ હૈ, સબસે ખુશ જય શાહ ઝાદા ખા ગયા, સબસે ખુશ વો વ્યક્તિ હૈ જિસકે બેટે કી કંપની મહિનો મેં 50,000 રૂપિયે કો 80 કરોડ મેં બદલ સકતી હૈ.
हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आदिवासियों से जमीन छीनी, पाटीदारों के घर में जाके उनकी महिलाओं की पिटाई की, उनको गोली मारी। मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आज जब स्टॉक मार्केट की चला जो स्टॉक मार्केट के जो संस्था चलाती है, जब वो कहती है कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री रूपानी जी ने बेईमानी की है, चीटिंग की है और उन पे हम फाइन लगाना चाहते हैं, तो देश का चौकीदार एक शब्द नहीं कहता है। जब पाटीदार लोग खड़े होते हैं तो आप पे गोली चलाते हैं, आदिवासियों से जमीन छीनते हैं, पिछड़ों को दबाते हैं, दलितों को पिटाई करते हैं, मगर जब विजय रूपानी जी पर स्टॉक एक्सचेंज कमीशन आरोप उठाता है तो देश के चौकीदार एक शब्द नहीं कहते। और जब अमित शाह का जो पुत्र है वो 50,000 रुपए को 80 करोड़ में बदलता है, तो हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। अजीब सी बात है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अब नया नारा ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। बाईस साल गुजरात को दबा के रखा, डरा के रखा, आंदोलन हो रहे, हर समाज में आंदोलन हो रहे हैं। हार्दिक पटेल, अल्पेश, जिग्नेश, आदिवासी युवा, हर समाज में आंदोलन हो रहा है, प्रधानमंत्री के सामने चोरी हो रही है, एक शब्द नहीं निकलता है, ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। 8 नवंबर को कहते हैं जय शाह ने 50,000 रुपए का 80 करोड़ बना दिया, अब मैं हिंदुस्तान की सब छोटी कंपनियों को खत्म करूंगा। आठ बजे रात को आते हैं, टीवी पे आते हैं और कहते हैं भाइयों और बहनों 500 रुपए का नोट, 1,000 रुपए का नोट मुझे अच्छा नहीं लगता। जब जय शाह जी लेते हैं तो मैं कुछ नहीं कहता हूं, मगर हिंदुस्तान के गरीब लोगों के हाथ में 500 रुपए और 1,000 रुपए का नोट मुझे नहीं दिखना चाहिए। नोटबंदी लागू की और आप सबको बैंक के सामने लाइन में लगा दिया। यहां महिलाएं बैठी हैं, इन्होंने थोड़ा सा पैसा बचा के रखा था, इनसे पैसा छीन लिया। किसान कैश में बीज खरीदता है, मोबाइल फोन से नहीं खरीदता है, सैटेलाइट से नहीं खरीदता है। छोटा व्यापारी
कैश में काम करता है। मोदी जी, पूरा हिंदुस्तान चोर नहीं है, ये ईमानदार लोगों का देश है। आप एक बात नहीं समझ पाए, मैं आपको बता देता हूं, पूरा का पूरा कैश काला धन नहीं है और पूरा का पूरा काला धन कैश में नहीं है। आपने हिंदुस्तान के कमजोर लोगों पर, गरीब लोगों पर, छोटे व्यापारियों पर, छोटे बिजनेसमैन, मिडिल साइज बिजनेसमैन पे चोट मारी। आपने सबको लाइन में खड़ा किया। आपने कहा था कि काले धन के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। आप सड़क के किनारे दो मिनट किसी से बात कीजिए, पूरा हिंदुस्तान आपको बताएगा